उत्तरी अमेरिका के समंदर में पाए जाने वाले हॉर्सशू केकड़े का खून चिकित्सा विज्ञान के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। इसका खून अन्य जीवों की तरह लाल रंग का नहीं बल्कि नीले रंग का होता है। इस जीव की बनावट घोड़े की नाल जैसी होती है और इसी वजह से इसका नाम हॉर्सशू क्रैब रखा गया है। ये प्रजाति 35 करोड़ साल से जिंदा है। करोड़ों साल में भी इनमें कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला है। चिकित्सा विज्ञान में इस केकड़े का नीला खून इसकी एंटीबैक्टीरियल तत्व मिलने के कारण इस्तेमाल किया जाता है। हॉर्सशू केकड़े के नीले खून का इस्तेमाल शरीर के अंदर इंजेक्ट कर दी जाने वाली दवाओं में खतरनाक बैक्टीरिया की पहचान के लिए होता है। खतरनाक बैक्टीरिया के बारे में ये सबसे सटीक जानकारी देता है। इससे इंसानों को दी जाने वाली दवाओं के खतरों और दुष्प्रभावों के बारे में पता चलता है। आपको जानकर हैरानी होगी, इसकी इन्हीं खासियत की वजह से इसके खून की कीमत करीब 10 लाख रुपए प्रति लीटर है। हर साल इसे 5 लाख से भी ज्यादा केकड़ों का खून निकाला जाता है। कुछ केकड़े इस प्रोसेस में जिंदा बच जाते हैं और उन्हें वापस पानी में छोड़ दिया जाता है। हालांकि ज्यादा खून निकालने की वजह से ज्यादातर केकड़ों की मौत हो जाती है। उत्तरी अमेरिका में इन केकड़ों की संख्या में जबरदस्त कमी देखने को मिली है। इसका कारण नीले रंग के खून के कारण इनका अत्यधिक इस्तेमाल होना बताया जाता है। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।